हेलो फ्रेंड्स, क्रोशेट एंड निटिंग लव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्वेटर बनाना बताऊंगी। ये स्वेटर मैंने बनाया है, ये देखिए इसकी डिज़ाइन एंड ये है इसका बॉर्डर। बॉर्डर एंड डिज़ाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसलिए मैंने पूरा स्वेटर आपको नहीं बताया है बनाना। इसका लिंक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। बहुत ही इजी स्वेटर है, बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, यह देखिए, ये मैंने 1 ईयर बेबी के लिए बनाया है। इसकी लेंथ आप देख लीजिएगा, 8 इंच है, तो ये 1 ईयर बेबी के लिए है। बहुत ही इजी है। ये 6 फंदे इधर बटन पट्टी के लिए एंड 6 फंदे इधर बटन पट्टी के लिए छोड़े हैं, तो टोटल मैंने 140 फंदे डाले थे बटन पट्टी के मिला के इसी में। तो 6 इधर 6 इधर, बाकी ये बीच में पैटर्न बनेगा। एंड ये बॉर्डर, बॉर्डर के बाद में 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ पड़ी हैं, उसके बाद पैटर्न चालू होता है। आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है। 0 से 3 मंथ के लिए आप 90 फंदे डालिएगा, 6 से 9 मंथ के लिए 110 फंदे, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए 140 फंदे जो मैंने डाले हुए हैं, 3 से 4 साल के बच्चे के लिए 166, उनका डिवाइडेशन भी मैंने इधर दिया हुआ है। ठीक है, और मैं ये थर्ड नंबर वाला 1 से 2 साल के बच्चे का 140 फंदे, इसका डिवाइडेशन है ये। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमें मुंडों की घटाई करनी है, तो उसके लिए ये मैंने 6 फंदे बिन लिए हैं, ये हैं बटन पट्टी के। पूरे टोटल हमें 34 फंदे उल्टी उल्टी सिलाई निकालनी है, ये टोटल उल्टी उल्टी सिलाई निकालनी है हमें। ये मैंने 34 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मार्कर लगाएंगे, ऐसे मुड्डे की कटाई करनी है। ठीक है, अगर आपके पास मार्कर है तो मार्कर लगा लीजिए, अगर मार्कर नहीं है तो इस तरह से ऊन का काट के लगा लीजिए। ठीक है, अब बीच के हमें ये जैसे मैंने बनाया है तो 1 से 2 साल का 140 फंदे का, तो बीच में हम इसमें 72 फंदे अब बिनेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी का मैंने साइज लिख दिया है, जो जो जिस साइज का बना उस हिसाब से। ठीक है, अब बीच के हम 72 फंदे बिनेंगे उल्टे उल्टे। ये हमने 72 फंदे बीच के बुन लिए हैं, अब ये इधर 34 फंदे इधर भी छोड़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये इधर 72 फंदे हो गए। एक मार्कर यहाँ पे लगा लिया है, मार्कर लगाने के बाद ये 34 फंदे फिर से हम दोबारा से उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब हम लोग अपनी उल्टी साइड आ गए हैं। ठीक है, अब हम उल्टी साइड से घटाई करेंगे मुड्डे की।
गुड्डे की कटाई करेंगे। ठीक है, पहले ये डिसाइड है, पहले 34 फंदे हम बुन लेते हैं। ठीक है, फिर आपको कटाई बताते हैं। ये हमने 34 फंदे बिन लिए हैं, अब हम घटाई शुरू करेंगे मिट्टी की। मार्कर भी हटा दीजिएगा, मार्कर की वैसे कोई नीड नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए लगाया था। अगर आप बिन के बना सकते हैं तो आप बिन के भी बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग 6 फंदे मुद्दे के लिए घटाएंगे। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं 0 से 3 मंथ के लिए, तो आप लाइक 4 फंदे भी घटा सकते हैं, 4 दोनों साइड से। मैं 1 साल के बच्चे का बनाएं तो 6 बनाऊंगी। आप इससे भी बड़े बच्चे का अगर आप बनाएं तो 8 फंदे घटा सकते हैं। ठीक है, हम 6 फंदे घटाएंगे। ये हो गया 1, 2, फिर ये इसी में लेके 3, 4, 5, 6। ये हमारे 6 फंदे ये देखिए घट गए हैं बीच में। ठीक है, अब हम ये पूरी सिलाई पूरी करेंगे। बीच में 72 फंदे हैं फंदे। ठीक है, ये मार्कर के पास आके हम लोग यहाँ पर 6 फंदे मार्कर के पास आकर 6 फंदे यहाँ के छोड़ देंगे। ठीक है, उल्टी उल्टी सिलाई पूरी करते हैं। ये देखिए, हमने अपने बिल्लिए पहने फंदे और ये मार्कर के इधर साइड से हमने ये 6 फंदे छोड़ दिए। तो ये 72 फंदे थे, तो इसमें से 6 फंदे इधर और 6 फंदे ये, टोटल 12 फंदे घट जाएंगे, तो ये टोटल 60 बचेंगे। तो चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टोटल 30 बचे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से घटाना चालू करेंगे। ये 6 फंदे जो छोड़े हैं हम लोगों ने, 1, 2, 3, 4, 5, ये मार्कर हटा देंगे, 5, एक इधर से घटा लेंगे, ये रह गया तो 6। ठीक है, अब हमारे ये 6 फंदे हो गए। अब ये 34 फंदे जो इधर के बचे होंगे, ये भी हम ये सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं। हम लोग पीछे की साइड से मुड्डे की कटाई करेंगे, ये बटन पट्टी वाली साइड से, दोनों साइड से निकालेंगे। सीधे सीधे इतनी सिलाई है, बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी हमारे देखिए मुड्डे की कटाई हो चुकी है, ये 3 पार्ट में हो गया है। ठीक है, अब हम ये अलग अलग पार्ट में बिनेंगे। 3 पार्ट में हो गया तो अब हम इसको एक एक पार्ट करके बिनेंगे। पहले ये वाला पार्ट बिनेंगे, ठीक है, फिर धागा कट करके दूसरा धागा जोड़ के सेकंड पार्ट एंड फिर थर्ड पार्ट। ये बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये 100 ग्राम ऊन में बन जाएगा। अगर आप छोटे बच्चे का बनाने नहीं चाहते तो 50 ग्राम ऊन में भी बन जाएगा। अब जैसे हम इसकी
चार इंच का ऊपर अभी 4 इंच बनाना है, मतलब 4 इंच का मतलब इसका बनाना है गले की घटाई, मतलब गले की घटाई हम लोग स्क्वायर में करेंगे इस टाइप में, ठीक है। तो ये अभी 4 इंच बनाना है मुझे। गला लगभग हम लोग ये 4 इंच का पूरा बनाएंगे, गला बनाएंगे हम लोग 3 इंच पे, तो अभी हमें 1 इंच पूरा और बनाना है ये स्वेटर, ठीक है। उसके बाद हम गले की घटाई करेंगे। अभी हमें कोई भी घटाई नहीं करनी है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाई है, सीधी सीधी लगभग 1 इंच तक फिर लेनी है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट, ये 34 फंदे जो स्टार्टिंग में है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने बना लिया है, ठीक है। ये मैंने ऊपर टोटल ये घटाई के बाद में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 लाइनें डाली हैं, ठीक है। टोटल में 4 फिट का चाहिए था, मतलब 4 इंच का, तो उसमें 4 इंच का, तो अभी ये 1 इंच की तो मैंने ये बना ली है 3 तक, अभी ये देखिए, ठीक है, 1 इंच की ये बना ली है 6 लाइनें डाल के, अभी ये 3 इंच ऊपर और बनाना है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी गले की घटाई करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, ये मैंने, ये आप 10 या 11 नंबर को ये सिलाई से बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 10 नंबर सिलाई से बनाइए, अगर आपका हाथ लूज चलता है तो आप 11 नंबर सिलाई से बनाइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से घटाई करेंगे। घटाई टोटल ये हमारी 34 फंदे हैं, तो हाफ हाफ बांट लेते हैं, ठीक है। 17 इधर रखेंगे, 17 इधर रखेंगे, 17 की घटाई कर देंगे, 17 छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये घटाई हम कर लेते हैं। अब हम इसकी घटाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। टोटल 34 है, तो हम ये 17 फंदे घटाएंगे। ये लास्ट, इसमें डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 16 17 हो गई है। इतने फंदे हमने घटा दिए गले के लिए। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना रखा है। अब इसको उल्टी उल्टी सिलाई कर लेते हैं, ये जो उल्टी उल्टी सिलाई होती है ये ऐसी होती है कि ये देखने में कम लगती है, कोई खींचती बहुत है, ये हम लोग कम भी करते हैं,
ऑप्शन है, लाइक से देखिए आप ये है, ठीक है, ये इस टाइप में इसमें खींचा हो बहुत होता है, तो कम में भी काफ़ी हो जाती है, खींचती है इसलिए। ये देखिए हमने बना लिया है, ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसको हमें 4 इंच बनाना है। यहाँ से मुड्ढे की मोटाई स्टार्ट की, तो यहीं से ऐड करेंगे, ये अभी हमें आपको 2.5 इंच और बनाना है, तो अभी ये सी उल्टी उल्टी पूरी सिलाई है, मैं पूरी कर लेती हूँ, ठीक है, ये उल्टी उल्टी पूरी सिलाई ये करनी है, ये इसको कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद ये वाली सिलाई करेंगे, ठीक है, ये वाली देखिए, इसमें कोई भी घटाई अब नहीं करनी है, मुड्ढे की घटाई हो चुकी है, ये गले की घटाई थी, इसमें कोई भी घटाई, इसको भी सीधा सीधा जितनी ये करनी है उसके बराबर इसको भी कर लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ, इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, ढाई इंच अभी बनानी है पूरी। तो देखिए ये मैंने बना लिया है पूरा, इसको नज़र करके देखते हैं, ये यहाँ से पूरा ये देखिए ये 4 इंच टोटल पूरा हो गया है, ठीक है, तो ये 4 इंच हो गया, टोटल लाइनें हैं आपकी, जैसे यहाँ से अगर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है, 1, 2, 3, 4, 5 नीचे 5 है, तो अगर टोटल वैसे 21 लाइन है, अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ें, अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ें तो 5 नीचे है तो 26 है टोटल, ठीक है लाइन है, तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, बस सीधी सीधी इसके बराबर उल्टी उल्टी सिलाई लगानी है, ठीक है, तो ये हम कंप्लीट करके फिर मैं आपको बता, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बना लिया है, ये वाला पार्ट भी बना लिया है, ठीक है, इसके बराबर टोटल 21 सिलाइयाँ देके और टोटल 26 है पूरी मिला के, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, कोई कटाई नहीं करनी थी, सीधा सीधा बनाना था, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए, अब हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये 34 पन्ने जो बचे हमें इसको बनाना है, ठीक है, इसको सेम इसी की तरह बनाना है, बस इसमें पहले की सिलाई कर लेंगे, उसके बाद घटाई करेंगे, तो ये देखिए मैंने धागा जोड़ लिया है, ठीक है, धागा जोड़ लिया है, और ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद से उल्टी उल्टी सिलाई पूरी करेंगे, ऐसे ही पूरी कर लेनी है सिलाई उल्टी उल्टी, ये इधर साइड देखिए फ्रेंड्स हमें बटन होल बनाना है, ठीक है, ये मैंने 3 बनाए हुए हैं, अब एक और बनाना है, ये मैंने 12 सिलाई के बाद में एक बटन होल बनाया, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद, ठीक है, अगर आप छोटा स्वेटर बनाने हैं तो आप 9 सिलाई के बाद भी बना सकते हैं, मैंने 12 सिलाई के बाद बनाया है, इधर एक और बटन होल बनाना है, ठीक है, अब क्योंकि इधर इतना ज़्यादा बढ़ाना है तो अभी क्योंकि बिल्कुल बराबर पर नहीं लगा सकते हैं,
अगर जैसे हम लोगों ने 12 सिलाई के बाद यहाँ लगाया तो थोड़ा सा नीचे लगेगा, अगर थोड़ा सा नीचे लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक दो सिलाई ज़्यादा भी हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे बटन लोड इधर साइड में, एक दो सिलाई ज़्यादा हो जाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। तो अभी हम पहले इधर देखिए सिलाई इधर कितनी है, ये 5 सिलाई की है, 5 सिलाई के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 सिलाई अभी बनानी पड़ेगी। तो ये हम लोग बनाते हैं, पहला फंदा उतारना है, उसके बाद में उल्टी उल्टी सिलाई करनी है, इसी तरह से फ्रेंड्स जितनी सिलाई उधर साइड में है हमारी उतनी ही इधर साइड में पहले हम सिलाई कर लेंगे, ऊपर से 2 लाइनें कम कर रखेंगे, उससे पहले हमें बटन होल बनाना है, तो पहले हम सिलाई कर लेंगे तो हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना बना लिया है, इसमें टोटल लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर मैंने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चल रही है। ये उल्टी साइड से अब हम इसमें बटन पट्टी बनाएंगे, बटन होल बनाएंगे, सॉरी बटन होल बनाएंगे, ठीक है। इधर से अब हम इसमें बटन होल बनाएंगे, देखिएगा बटन होल कैसे बनता है, 6 फंदों की बटन पट्टी हम लोगों ने छोड़ी थी, तो 6 फंदों की छोड़ी थी, उसी हिसाब से ना जैसे एक फंदा उतार लिया, दो फंदे गिन लिए, एक दो, 6 फंदों की, तो ये टोटल 3 हो गए, ठीक है 3 हो गए। तो इसके बाद हम बटन होल बनाएंगे, एक फंदा लेंगे, ठीक है एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही बिनते उल्टी उल्टी सिलाई चले जाएंगे, छोटा सा बटन होल बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे बच्चे का है तो उसी अकॉर्डिंग से है। अब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बननी है, देखिए फ्रेंड्स हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं, इसमें मैं आपको देखिए बटन होल कैसे बनता है, तो वो बटन पट्टी का जो फंदा हम लोगों ने बनाया था वो इस टाइप से कुछ आएगा, ठीक है इसको फिर ऐसे ही उल्टा बिन लेना, ठीक है। और बाकी सिलाई तो पूरी उल्टी उल्टी करनी है, ये देखिए हमारा बटन होल बनके तैयार हो गया, दिख रहा है ना आपको, ये बटन होल बन गया है, ठीक है। हम लोग ये देखिए फ्रेंड्स हमने बना लिया है, ठीक है ये इधर हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस, ठीक है। इधर हम लोगों ने इधर भी बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन है, ठीक है। उधर साइड हम लोगों ने इधर बटन पट्टी की साइड से राइट साइड से फंदे घटाए थे, इधर साइड हम लोग लेफ्ट उल्टी साइड से फंदे घटाएंगे, कि बटन पट्टी के साइड से घटाएंगे तो ये उल्टी साइड हो गया इधर साइड से, तो हम लोग इधर साइड से फंदे घटाएंगे इसमें, तो टोटल 34 फंदे हैं, तो 17 फंदे घटाने हैं, 17 ही घटाए थे उसमें, ठीक है तो इसमें 17 फंदे घटाने हैं,
दो फंदे लिए, दो कई, दो कई किया, एक कट गया, फिर इसमें लिया फंदा, फिर दो का एक किया, दो कट गए, तीन, चार, ये देखिए फ्रेंड्स 17 फंदे कटाने हैं, अभी 17 बचे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, अब इनको भी उल्टा उल्टा बिन लेना है। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ, बिगिनर्स भी सीख सकते हैं, और इसमें हमें कोई भी सुई धागे की ज़रूरत नहीं है। पूरा होने के बाद पूरा सिलाई से ही सिलेगा, कंप्लीट होगा, फंदे बंद हो जाएंगे, कोई सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है। ये भी बना सकते हैं, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये इधर मेरे फंदे बंद हो गए। अब इसको हमने जैसे ये वाला बनाया था इसके बराबर लंबाई इतनी ही अभी सिलाई इसमें भी करनी है, इतनी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सिल लिया है, ठीक है, ये तीनों पार्ट तैयार हो गए, ये तीसरा पार्ट भी तैयार हो गया। ये देखिए ना, ये मैंने करीब 4 इंच के लगभग बनाया था, देखिएगा आप, ठीक है, टोटल 26 लाइनें हैं, ठीक है, टोटल 26 लाइनें डाली थी, ये तीनों बार बन के तैयार हो गए, टोटल 26 लाइनें पड़ी हैं, ठीक है। अब ये हमारा स्वेटर, अब इसकी सिलाई करेंगे हम, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा, देखिए ये इसकी सिलाई, यहाँ पर मोटे के हम सिलाई करेंगे, सिलाई से ही सिलेंगे इसको, सिलाई करके यहाँ के फंदे बंद हो जाएंगे, सिलाई से पूरा बंद हो जाएगा, और यहाँ पे बटन लग जाएंगे, आप बटन लगा सकते हैं इस तरह से, या किसी भी तरह की भी अच्छे से बटन सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने फंदे सिलाई मिला लिए, ये वाले भी सिलाई दिए, ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर बंद करेंगे। देखिए धागा आगे वाली सिलाई में है, ये देखिए एक फंदा पीछे से लेंगे, एक फंदा आगे से लेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपको जो सही लगे जैसा सही लगे वैसा कीजिएगा। मैं उल्टी सिलाई से बुन रही हूँ, आप सीधा भी बंद कर सकते हैं, उल्टा भी बंद कर सकते हैं। ये दोनों के एक एक फंदे निकल गए, अब दूसरा बनाएंगे, एक फंदा पीछे से,
देखना अंडे से इन दोनों को उल्टा ऑन करेंगे, निकाल लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ये सिलाई में दो होगा, पीछे वाले फंदे को लेकर आगे निकाल देना है, ये देखिए ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे फंदे बंद कर रहे हैं, ये जो 35 फंदे हैं इनको देखिए ये इस तरीके से बंद किया, पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से निकाल, इसी तरीके से बंद कर लेते हैं। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे बंद कर लिए, अब ये इतने फंदे बचे हैं। अब ये 17 फंदे थे, तो ये 17 फंदे पीछे के छोड़ दें, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 17 छोड़ दिए, 17 फंदे। अब ये 20 के फंदे हमें बंद करने के खाली, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 26 फंदे हैं बस ये थे, ठीक है। तो इसको हम लोग वैसे ही बंद करेंगे जैसे पहले बंद कर रहे थे, इस वाले को इसमें लेकर ये धोकर एक कर, ठीक है। इसी तरीके से सारे बंद करेंगे, इसको इसमें लेकर फिर धोकर एक करना है, फिर इसको इसमें लेकर फिर धोकर एक करना है, फिर इसको इसमें फिर धोकर एक कर दीजिए, ऐसे ही हमको सारे कटाने हैं। और फ्रेंड्स ये मक्के फंदे हैं और ये बच्चे का स्वेटर है, तो आपको बहुत ही स्लो हाथ से, हल्के हाथों से, बहुत टाइट नहीं फंदे करने हैं, बहुत टाइट हो गए तो बच्चे के चुभेंगे, तो बहुत ही हल्के हाथ से ये वाले फंदे आपको हटाने हैं। अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप मोटी सिलाई से भी हटा सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने घटा लिए नेक के, और ये भी अभी ये 17 फंदे इसके बचे हुए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 और ये इसके इसमें हमें अब घटाने हैं जैसे पहले घटाया था, सही घटाने हैं। एक ही वाला फंदा, ये वाला फंदा इसी में रहेगा, ये हमें लेना है, एक पीछे से लेना है और एक आगे से जैसे पहले बताया था, एक पीछे से एक आगे से इस तरीके से लेके, ये पीछे वाला उसके ऊपर से निकाल देना, फिर देखिएगा ये पीछे से लेना है, आगे से इन दोनों का एक करना है, इन दोनों फंदों को निकालना है, फिर पीछे वाला आगे लाना है, तो इसी तरीके से हम सारे बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे फंदे बंद कर लिए हैं, अब ये धागा निकले हुए हैं, ये मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी, धागा हटा के सारे धागा हटा दूंगी, हटाने के बाद आपको मैं इसका फुल लुक दिखाऊंगी। अभी मैंने ये रखे फ्रेंड्स, मैंने स्वेटर बन कर तैयार कर लिया, बहुत ही अच्छा स्वेटर है,
और बहुत ही ये इसमें कहीं भी आपको कोई भी सुई धागे की भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर सा छोटा सा। ये देखिए कैसा था पूरा लुक, ये पूरा बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है।